ये जो एक एहसास है कि उसका मजा लेना तो नहीं सही लफ्ज होगा, लेकिन ये कि उसका एहसास जो है, उस दर्द का एहसास जो है वो कहीं आपको मजबूर करता है उसको बार बार सहलाने के लिए। इसलिए उस एक नज़्म में है जिसका जिक्र किया कि फिर किसी हमनाम को जी आवाज़ ही देने आओ फिर नज़्म में जी। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ, एक चीज़ बता सकता हूँ जी कि नज़्में मुझे क्यों परेशान करती हैं, कैसे परेशान करती हैं और मैं नज़्म को कैसे परेशान करता हूँ। लेकिन मैं क्यों करता हूँ ऐसा, अगर आपका मूड हो तो नज़्म सुनने का तो शुरुआत कर रहे हैं नज़्म सुनाने से। ये थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो थोड़ा से आ रहे हैं पहुंच रहे हैं, ऐसी ऑडियंस नहीं मिलती किसी शायर को मिल जाए तो कहते हैं। मैं नज़्में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, जैसे आज चादर ले लेते शॉल ले लेते किसी ढांप लेते हैं खुद को किसी से, मैं अपने नज़्मों से खुद को ढांप नहीं करता हूँ। मैं नज़्में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठहरने लगता हूँ कोना उठाता है कोई कहीं कहीं से और कहीं से कोई एक कोने से हवा दाखिल होती है तो ठंड लगती है, आजकल तो महसूस भी होती है। मैं नज़्में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठहरने लगता हूँ कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से, मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है बिना नज़्मों के, मैं नंगा हूँ अंदर से। मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है बिना नज़्मों के, मैं नंगा हूँ अंदर से क्यों। बहुत सी चोटें तशबीहें हैं अंदर ढांप रखी हैं, तशबीहें है इससे मिली बिना नज़्मों के, मैं नंगा हूँ अंदर से। बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं, सिमिलीज में अपने दर्द छुपा दिए हैं ताकि वो किसी को मालूम ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या चोट लगी है। बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखे हैं, बहुत से दर्द सूझे सूझे लफ्जों में छुपा रखे हैं मैंने, मुझे जब चोट लगती है नई एक नज़्म कहकर उसे ओढ़ लेता हूँ। बिल्कुल